पहली बार बोलने की हिम्मत नहीं होती। पिछले साल कोरोना की वजह से इज्तिमा नहीं हो सका, लेकिन उसके बाद आला हजरत के उर्स पर आया। मैं जब भी आता था पहले हजरत की ज़ियारत होती, आपसे बातें होती, इर्शादात फरमाते। यूं लगता बैटरी चार्ज हो गई है। यहाँ हाफिज़ मोहम्मद शफी साहब बैठे होते, हजरत तशरीफ़ फरमा होते, क्या कहूँ आपसे, वो तो मौजूद है मगर नजर नहीं आ रहे, वो हमें देख रहे हैं। अल्लाह ताला उनके दरजात बुलंद फरमा। मनकबत पढ़ रहे थे, हजरत मेरे सामने थे, उनका नूरानी चेहरा। साहबजादा साहब ने तदफीन में कुछ घंटे गुजारे थे मगर चेहरे की ताबानी उसी तरह थी, चमक दमक महक उसी तरह थी। वो आम सा मिसरा है, कमज़ोर सी शायरी मगर है काम की, कि चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं। वो वाकई चांद थे, चमकाते थे। अल्लाह हजरत को देखो ना, नाम हजरत ने फजले रसूल रखा, उन्होंने फैज़े रसूल रखा। अकीदा भी बयान होता रहे और अकीदत भी जाहिर होती रहे। मुझसे अगर तकरीर ना हो सके मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं हजरत की बारगाह में ये अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह ताला आपके दरजात और बुलंद करे, हम पर उसी तरह नज़र रखे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलआक़िबतु लिल्मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यदिल मुरसलीन रहमतिल लिल आलमीन खातमिन नबियीन शफीउल मुज़निबीन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूल रब्बिल आलमीन وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم.
मोहब्बत के साथ एक मर्तबा दुरूशी पढ़ लीजिए। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين رونق محفل زیب مسند मरकज निगाह हज़रत साहिबज़ादा पीर फैज़ रसूल साहब हैदर चिश्ती रिज़वी दामत बरकातुहुमुल क़ुदसिया उलमा अहबाब, एक लफ्ज़ कह रहा हूँ नाराज़ ना हो कोई, हज़रत का नाम सरदार अहमद है। क्या नाम है? सरदारे अहमद नहीं है, सरदारे अहमद नहीं है, क्या है ये ज़हन में रहें, पढ़ते हुए भी ख्याल रखें। शायरी में भी सरदार अहमद नाम है, सरदारे अहमद नहीं, ये वाज़े करना था ज़रूरी है। मैं तफसील में नहीं जा रहा, सिर्फ इशारा। आपने मुझसे कबल आलिमाना बयान सुन लिए, मैंने कुछ दुखड़े सुनाने हैं आपको। अगर अल्फाज ने मेरा साथ दिया तो मैं अर्ज करूंगा। आपने अभी इमाम आजम के बारे में भी सुन लिया, मुफ्ती आजम से दीगर मौजूआत सुन लिए। ये जिस हस्ती का मजार है, जिसे अवामी नहीं उलमा भी मुहद्दिसे आजम कहते हैं, देखा देखी नहीं कहते, सुना सुनी नहीं कहते, मान के कहते हैं। बहुत से आपको ऐसे उलमा मिलेंगे अपने उस्तादों का नाम भी जिक्र नहीं करते, क्योंकि वो अब खुद उस्ताद हो गए, खुद अल्लामा हो गए। अल्लामा का मतलब बहुत ज्यादा जानने वाला, मुबालगे का सीगा। वो उस्तादों का जिक्र नहीं करते, मगर ये वो हस्ती है जिसके शागिर्द होने पे उलमा फख्र करते हैं। वो अपने आप को मुस्तनद सनद याफ्ता बताने के लिए इनका नाम लेते हैं। अल्लाह ताला ने वो शान अता की है। क्यों? आलिम और नहीं है दुनिया में, पूछ रहा हूं फैसलाबाद वालों, आलिम और नहीं है दुनिया में हैं? वफ़ाउ का कुल जी इल्म नलीम, हो सकता है कोई दावा करे कि वो ज्यादा जानता है, मगर इस हस्ती को इल्म की साथ साथ जो इज्जत मिली है कि इनके पास एक तो इल्म वो था जो नफा देने वाला है, दूसरी बात ये कि अगर लबों पर कुरान और हदीस तो दिल में नबी का इश्क था, नबी का अदब था, नबी की मोहब्बत थी। और ईमान वाला वही होता है जो नबी का फिदाई होता है, वफादार होता है। ये निस्बते अहमद से सरदार हो गए,
उनकी सरदारी खत्म होने वाली नहीं, क्योंकि ये वो तमगा नहीं है जो हुकूमत दे वापस ले ले, ये बारगाह मुस्तफा से मिला है। गुरदासपुर इंडिया में रह गया, अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान को मिल जाएगा। हाँ, आप इंडियन फिल्में देखते रहेंगे तो मिल ही जाएगा। अब टी शर्ट जानवर सीने पे लगा के मस्जिदों में आएंगे तो मिल ही जाएगा। अपनी अदाओं पे कभी नजर नहीं है, जीना चाहते हैं मगरिब की तरह, मरना चाहते हैं मुसलमान की तरह। हमारा कॉल ऑफ फेल यही है ना। सुने, वहां से बरेली बहुत दूर है या नहीं पूछ रहा हूं। अल्लाह ने तारे यहां नहीं जोड़ी, वहां जोड़ दी। क्योंकि ये उलमा बैठे, इनसे पूछ ले, हदीस मौजूद है। रूहें, मैं अरबी के अल्फाज नहीं पढ़ रहा, रूहें लश्करों के लश्कर थी, वहां जिनके दरमियान उल्फत कायम हो गई उनकी दुनिया में भी उल्फत होगी। उल्फत कहां कायम हुई है? आलम अरबाह में, रूहों की दुनिया में। वहां कायम हुई तो यहां भी नहीं आए बैठे हो उतों। वहां से जुड़े हुए हैं, ऐसे ही नहीं आए बैठे हो। कितने नहीं आए, उनकी नहीं जुड़ी, जिनकी जुड़ी है वो आए बैठे हैं। समझ आ रही है बात? कुछ लोगों से सुना होगा आपने, हमारा तो जन्म जन्म का साथ है, कह देते हैं ना। तो ये माना इस हवाले से ले लो कि वहां से साथ है। तो वहां सरदार अहमद को आला हजरत से निस्बत हुई या नहीं हुई? यहां आके जाहिर हो गई, कायम वहां हुई थी, जुड़ यहां गई। और अगली हदीस सुन ले, बुखारी दीगर किताबों में मौजूद, कि जिससे मोहब्बत रखते हो कल उसके साथ होवोगे। वहां थी मोहब्बत, यहां भी कायम हो गई, यहां है तो वहां भी साथ मिलेगा। और जिस दिन हुजूर ने यह हदीस सुनाई, सहाबा कहते हैं हमारे लिए ईद से बड़ा दिन था। इतनी खुशी ईद पे नहीं होती थी जिस दिन ये बयान सुनकर हुई कि अल मरउ मा मन अहब्बा, और दूसरी रिवायत में अंत मा मन अहबबता, कि तुम उसके साथ होगे जिससे तुम मोहब्बत रखते हो। तो मुहद्दिस आजम हो या हजरत शम्सुल मशायख हो, मोहब्बत है ना इनसे, सच बोलना है ना, तो कल भी इंशाल्लाह साथ होंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह साथ हो। आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। ये लजपाल होते हैं। क्या होते हैं? हिंदी के लफ्ज है लाज, लाज से, कि लाज पालने वाले, शर्म रखने वाले। लजपाल परीत नू तोड़ दे नहीं, जीदी बां फड़ लैन ओनू छोड़ दे नहीं, दर आए नू खाली मोड़ दे नहीं। अल्लाह ताला हमें इन निस्बतों का फैजान अता फरमाए। सुनियो, सुन्नी कौन है, सुन्नी क्या होता है? मैं आपके सामने कुरान पढूं, हदीस पढूं, अकवाल मुज्तहिदों के, उलमा के, फुकहा के, सूफिया के, आपको दलीलें दूं, एक घंटा, दो घंटे, तीन घंटे, बहुत ही रोब डाल के तकरीर करके बताऊं सुन्नी कौन होता है,
मैं सीधा सा जवाब दे तू, जानना चाहते हो सुन्नी कौन होता? मुहद्दिस आजम को देख लो, देखना है तो उनके फर्जंद को देख लो। अल्लाह इनको भी उन्हीं जैसा बनाए, उन्हीं जैसा रखे। बाग लगा हुआ है, ऐसा बाग लगा है भले कायम होने में, इमारत बनने में देर लगी होगी, मगर शोहरत चारों तरफ है। लोग पूछते हैं जी, वो एक बहुत बड़ा जनाजा हुआ था लाहौर में पिछले दिनों, इतनी दुनिया आई, वो बाबा बड़ा था। मैंने कहा बाबा बनाया किसने था? ये भी तो देखो ना, ऐसे बाबे बनाता कौन है? ये वो हस्तियां हैं। अल्लाह ताला हमें इनका फैजान अता फरमाए। आयत पढ़ी है मैंने सूरह फातिहा की, बहुत सा मवाद जहन में हजरत से पूछता भी रहा, जो बयान हुआ आपके सामने दो तीन काम की बातें, पल्ले बांध लेना, ले जाना, गौर करना, अभी ना जवाब देना, सोचना। पहली बात ये कि बताओ आप खुद बने हो या किसी ने बनाया है? ऊंची बोलने पे अभी टैक्स नहीं लगा, महंगाई बहुत हो गई है मुझे पता है, बने हो या बनाया है? किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, अल्लाह ताला ने बनाया है। तो अल्लाह के बनाने का कोई ना कोई राज होगा। आम तौर पर लफ्ज कहा जाता है कि कोई ना कोई मकसद आपको समझाने के लिए। कुरान कहता है वमा खलक्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, अल्लाह फरमाता है हमने जिन्नों और इंसानों को पैदा किस लिए किया है? कि वो अल्लाह की इबादत करें, ए लियारिफून, कि उसको पहचाने, इबादत करें। मैं इसकी तफसील में नहीं जा रहा। अल्लाह को हमारी इबादत की जरूरत है, फिर क्यों उसने इबादत के लिए बनाया? जरूरत तो नहीं है उसको। अल्लाह का कोई मकान है? ऊंची मकान बनाए उसने, किसके लिए बनाए? वो आला हजरत ने हमें समझा दिया, वो नबी है जिसके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका। लेकिन पहले मिस्रे में एक बात की है, वही ला मकान के ये उलमा बैठे हैं बहुत हाथ बांध के। अर्ज करता हूं, मकान से मकीन होता है ना, मकान में रहने वाले को वो है ला मकान, तो उसके मकीन का क्या मतलब? कभी उस इमाम के कलाम पर गौर तो किया करो, वही ला मकान के मकीन हूं, वही तख्त क्या है, वही अर्श तख्त नशी हुए। और अर्श तो रब का है, अर्श किसका है, तख्त नशीन कौन है? कभी गौर किया आला हजरत के शेर में, वही ला मकान के मकी हुए, वही अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिसके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। सारी तकरीर इसी शेर पर ही हो जाए अगर मैं कहूं, तो हम गौर ही नहीं करते। बहरहाल अल्लाह को जरूरत नहीं है इबादत की जरूरत, वो गनी है, उसको किसी की किसी तरह कोई हाजत, फिर उसने ये सब कुछ बनाया क्यों है? आप सुनते रहते हैं, ये एक रिवायत बयान की जाती है, उसकी सेहत उसका दर्जा क्या है। कुंतु कंजन मख्फियन, मैं एक पोशीदा खजाना था, फअहबबतु अन उरफा, बस मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। वल्लाहु आलम, इनका ना सही।
उसने खल्क को पैदा किया पहचान के लिए, मुझे और आपको अल्लाह की पहचान कहां से मिली? बारगाहे मुस्तफा से। फैला नहीं रहा, टाइम नहीं है। बारगाहे मुस्तफा, चाहा किसने के मैं पहचाना जाऊं? पहचान कहां से मिली? कुछ नहीं समझे बात को। उसने चाहा कि पहचाना जाऊं, पहचान के लिए बनाया मुस्तफा को, तो जो मुस्तफा का फिदाई नहीं, वफादार नहीं, उसने खुदा को पहचाना नहीं। जिसने नबी को नहीं पहचाना उसने खुदा को। अब मुझे तफसील में जाने की जरूरत नहीं। वो जो कहते हैं नबी हमारे जैसे बशर, वो जो कहते हैं नबी भूल जाते थे, वो जो कहते हैं नबी को अल्लाह डांट देता था, वो जो कहते हैं नबी क्या जाने, नबी का अंजाम की भी खबर नहीं, माज़ अल्लाह माज़ अल्लाह, तो उन्होंने नबी को पहचाना? तो जब नबी को नहीं पहचाना तो रब को नहीं पहचाना। हम दुआ करते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता, सुनना चाहता हूं, चला सीधा रास्ता। ये क्या है जहां बैठे हुए हो? मस्जिद। वुजू है, बदन पाक, कपड़े पाक, जगह, मुंह किस तरफ है? सीधा रास्ता चला। और कौन सा सीधा रास्ता है? किस रास्ते पे खड़े हुए हो? किसी गलत रास्ते पे खड़े हो के कह रहे हो सीधा रास्ता चला? आप पाक हो, लिबास, जितनी शर्तें नमाज की हैं पूरी कर रहे हो, मुंह भी किबले की तरफ है, कलाम भी अल्लाह का पढ़ रहे हो, और फिर कह रहे हो सीधा रास्ता चला, तो क्या कोई और सीधा रास्ता है? अगर आप ये कहो कि दिखा, तो क्या कोई और रास्ता है जो देखना है? सीधे रास्ते पे खड़े होके कह रहे हो सीधा रास्ता चला। हर रकत में ये दुआ करते हो इनफिरादी नमाज की, जहां आप सूरह फातिहा पढ़ते हो ये दुआ पढ़ते हो, तो क्या ये कबूल होती है? या हम पढ़े जा रहे हैं? रोज की रकतें कितनी हैं? सुबह से रात तक कितनी रकतें? 50। रकतें कितनी है? 50। हर रकत में पढ़ रहे हो, नवाफिल उसके अलावा पढ़ो तो वो और बात, 50 रकतों में पढ़ रहे हो या अल्लाह सीधा रास्ता चला, तो क्या ये दुआ सुनी जाती है या नहीं? तो हमारे इन उस्तादों ने बताया है ये नमाज में ही कबूल होती है और जवाब मिलता है। अभी सलाम नहीं फेरते हो, जवाब मिलता है। आपने कहा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, या अल्लाह मेरी आजजी, मेरी बंदगी, मेरी इबादत, मेरी नेकियां तेरी बारगाह में पेश और नजर हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज हो जाएगी ऊंची? पक्की बात? फतवा बदलोगे तो नहीं? इधर की हवा चले तो इधर का, उधर की हवा चले तो उधर का, बदलोगे तो नहीं? इशारे किए हैं, समझ आई हो तो फतवा बदलोगे तो नहीं? सच्चे मुफ्ती है मसाइल के बताने वाले, सच्चे मुफ्ती है मसाइल के बताने वाले, मुफ्ती वो भी है मगर मुफ्त के खाने वाले। आलिम अपने नाम के साथ अल्लामा लिखवाना, अलकाब लिखवाना, जितने चाहो लिख लो, मैं वो अलकाब पुकारूंगा तो आप कहोगे मैं फलां का नाम ले रहा हूं। हैं बड़े बड़े अलकाब,
नाम इतना सा अलकाब लंबे लंबे, काम क्या है? काम ये है कि सहाबा में ऐब निकाले जाए, काम ये है कि अहले बैत के नाम से खताएं बताई जाए, काम ये है कि अकीदा छोड़कर उसमें दरार डाली जाए। साहबजादा साहब बैठे हैं, उनकी बात नहीं करता, ये चौधरी लतीफ साहब अमेरिका से आए, इनको जानते होंगे कुछ लोग, पूछ रहा हूं, कुछ लोग तो जानते होंगे ना। डॉक्टर उस्मान साहब बैठे हैं, जुबैर साहब बैठे हैं, नियाजी साहब बैठे हैं, चलो मैं इनकी बात करता हूं। मैं किस्सा खानी बाजार पेशावर में जाऊं और उनसे पूछूं कि चौधरी लतीफ साहब को जानते हो? कहेंगे कौन साहब है? मैंने कहा एक साहब है, उनका नाम है। नहीं जी, नाम नहीं सुना। कहां होते हैं? मैंने कहा होते तो न्यू जर्सी में, जर्सी सिटी में होते हैं, अमेरिका में होते हैं। तो कहने के पेशावर में उनका पूछने क्यों आए हो? मैंने कहा शायद ये किस्सा खानी वाले ठीक नहीं, मैं यादगार चौक चला गया, मैं यक्का तू चला गया। मैंने कहा शायद पेशावर के लोग जलते हैं, चलो रावलपिंडी आ जाओ। मैं इस तरह शहरों के नाम लेता रहा तो टाइम पूरा हो जाएगा। पूरे पाकिस्तान से पूछूं, सब कहें कहाँ होते? मैंने कहा होते तो अमेरिका में हैं, यहाँ के पाकिस्तान के होते हैं, अमेरिका में है। तो कहने लगे अगर आपको उनके बारे में पूछना है तो आप उनके घर वालों से पूछो। किन से पूछो? उनके रिश्तेदारों से पूछो, उनके पड़ोसियों से पूछो, उनके मिलने वालों से पूछो, वो सही बताएंगे और उनका बताया हुआ सही होगा। हम तो दूर रहते हैं, अगर नाम सुना भी हो क्या बता पाएंगे, थोड़ा सा ही बताएंगे। असली मालूमात कहाँ से होंगी? घर वालों से, मिलने वालों से, उनके इलाके वालों से। ठीक है ना, ऐसा ही है ना, बोल दीजिए। मैंने कहा वाह, तुम लोगों ने मेरा मसला हल कर दिया, मुझे बहुत अच्छी बात समझा दी। किसी का पूछना हो तो उसके घर वालों से पूछूं, मिलने वालों से पूछूं, रिश्तेदारों से पूछूं, इलाके वालों से, करीब वालों से पूछूं। मैंने नबी का पूछना है तो मैं चौदहवीं सदी वालों से क्यों पूछूं? मैं अहले बैत से पूछूं, मैं सहाबा से पूछूं, मैं मक्का वालों से पूछूं, मैं मदीने वालों से पूछूं। मुझे सहाबा का पूछना है तो उस दौर के लोगों से पूछूं, अहले बैत का पूछना है उस दौर के लोगों से पूछूं। आज नए नए लोग अपना तारुफ कराना चाहते हैं तो वो सुन लें। जितने लोग तारुफ कराना चाहते हैं, मैं बहुत गुनाहगार, बहुत छोटा सा आदमी हूं, मगर जिस मेंबर पर बैठा हूं वो बहुत बड़ा है। ये असेंबली की मेंबरी नहीं है, ये मेंबर रसूल है। मुहद्दिस आजम बैठते रहे इस पे, हजरत बैठते रहे, उस मेंबर से जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं। आला हजरत के बाद हमें किसी की तहकीक की जरूरत नहीं है। ये हजरत गुरदासपुर से आए थे, यहां आए, यहां से आला हजरत के बेटे साथ ले गए, वहां आला हजरत को देखा नहीं है हजरत ने। उनके शाहजादे हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना हामिद रजा साहब उन आला हजरत के नादीदा आशिक बेटे के साथ रहे, वहीं पढ़ाने लगे, वहीं पढ़ा, वहीं पढ़ के आए, पाकिस्तान आए। बहुत थोड़ा सा टाइम मिला, पाकिस्तान आने के बाद ऊंची यहां के तीन चार मकतबों के मदरसों के लोग उलमा ज्यादा मशहूर है ना जी। लाहौर में हजरत सैयदी अबुल बरकात सैयद अहमद अलवरी, जो हजरत मुहद्दिस आजम मुहद्दिस अलवरी दीदार अली शाह साहब के बेटे, उनके शागिर्द, या फिर अल्लामा काजमी साहब के मुल्तान में। उसके अलावा आप ढूंढें, आपको छोटे छोटे मिलेंगे,
वो इस हस्ती के नाम से ले रहे हैं जो मस्जिद धुलवा दिया करता था। समझने वाले समझ गए, जो गैर से मुसाफा नहीं करता था, जो हक की जुरत रखता था और इतनी रखता था। और फिर देखें, इतनी बड़ी हस्ती, उनको अगर पता चल जाए हजरत मुहद्दिस आजम को कि कराची में एक लड़का है कौकब नूरानी, वो मसलक को बयान कर रहा है पक्का, तो इतनी बड़ी हस्ती हो के उसके पास चले जाते थे, उसको शाबाश देने चले जाते थे। असागिर नवाजी इतनी थी, अकाबिर के लिए एहतराम था। उन्होंने आला हजरत के तरीक पर बता दिया, अहले बैत से मोहब्बत किस तरह करनी है, सहाबा का अदब कैसे करना है, हमें अब किसी नए पैगाम की जरूरत नहीं है। सुन ली बात आपने। दूसरी बात, सुन्नियत की क्या हर साल कोई नई तारीफ की जाएगी? पूछ रहा हूं, हर मदरसे से कोई नई पहचान निकाली जाएगी? पूछ रहा हूं। फलां रंग की टोपी पहनेगा तो सुन्नी होगा, फलां निस्बत साथ लगी होगी तो सुन्नी होगा, क्या नई पहचान निकाली जाएगी? क्या आला हजरत ने हमें अकीदे दिए? नहीं, उन्होंने हमारी तर्जमानी की है, हमारे ईमान और अकीदों की हिफाजत की है। उस पैगाम को इस पाकिस्तान में जिन्होंने जारी किया उनमें ये सरदार हैं, उनमें ये सरदार। मैंने जो बात की है, नाम भी लिया है, बात भी की है, उनमें ये सरदार। इनकी सरदारी खत्म हो सकती है। वेरी सॉरी, जितना मर्जी जोर लगा लो, मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि जो इनके शागिर्द बन गए, आगे जो उनके शागिर्द बन रहे हैं, फिर उनके बनेंगे, निस्बत तो यही रहेगी। इस सरदारी को कोई खत्म नहीं करेगा, और ये जिस बारगाह से मिली है उसी की वफादारी शर्त है। बात समझ में आई? अगली बात, हजरत साहब ने चेहलम के मौके पर उलमा का एक कन्वेंशन किया। इनकी सोच, इनका जज्बा, इनका जोश, इनका वलवला, सलाम करो, दुआ दो कि इन्होंने अपने वालिद की कब्र बनाने से पहले सुन्नियों को इकट्ठा करना चाहा। ये सराहे जाने की बात है या नहीं? इस पे इनको दाद देनी चाहिए या नहीं? इनकी इमदाद करनी चाहिए या नहीं? इमदाद से मुराद रुपए पैसे की बात नहीं कर रहा, मतलब ये कि इनका दस्तो बाजू बनना चाहिए या नहीं। अब मैं इनसे पूछूं कि जिसके पास थोड़ा सा भी, दो चार किताबें ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भी इल्म है उसके पास अकड़ तो उससे ज्यादा है। अगर किताब में 100 लफ्ज हैं, उसकी अकड़ तो 1000 की होगी। अगर किताब में 1000 की हैं, तो अकड़ 10,000 की होगी। सरिया पुराना हो गया, लोग तो अब गार्डर लगाते हैं। अब तो गर्दन, हजरत आपने इतना बड़ा जो मिशन शुरू किया, आपको थोड़ा सा तो अंदाजा हो गया होगा कि आपके बड़े कैसे थे और आज के बड़े कहलाने वाले कैसे। मैंने कहा ना, दुखड़े रोना है, मैंने आपको बातें बतानी है। पंजाबी च कहंदे ने, राह पे आ जाने या रास्ता पड़े जाने या वास्ता पड़े जाने, पता चल रहा है कि ऊपर जो कुछ है अंदर वो। लोगों को मुतासिर करने के लिए तो बड़े अच्छे लहजे हैं, अमल करने के लिए क्यों नहीं? फैसलाबाद में हजरत इमाम आजम और मुहद्दिस आजम के उर्स में जमा होने वालों, सुनो, सच्ची इज्जत दो वजह से होती है। सच्ची इज्जत आवाज नहीं आई, बड़ी मेहरबानी, आप सबकी तवज्जो है वो चाहने के लिए। सच्ची इज्जत दो वजह से है, पहली वजह इल्म बहुत हो, इल्म
और नफा देने वाला हो। इल्मे नाफे, दूसरी वजह किरदार। इसके अलावा जितनी इज्जतें हैं वो बनावटी हैं, वक्ती हैं, कहीं पैसे लेने के लिए होगी, कहीं टिकट लेने के लिए होगी, कहीं कुछ करने के लिए होगी। हैं, आपने यहाँ तक सुना लोगों ने कहा कि अल्लाह के बाद फलाना लीडर, वो भी अल्फाज सुने ना आपने, तो जहां ऐसी बात क्यों है, को टिकट मिली है या को ओहदा लेना है या को परमिट लेना है। इसलिए सच्ची इज्जत दो वजह से है, इमाम आजम की इज्जत क्यों है, मुहद्दिस आजम की इज्जत क्यों है। सोचना सोचना, दोनों जगह आपको मिलेगा, इल्म भी मिलेगा, किरदार भी मिलेगा। हम लोग फजाइया की तरह हैं, हमारे पास वो नहीं है जो आर्मी होती है ना, उसको तो मोर्चों में रह के, हम फजाइया की तरह ऊपर से आए और अपना काम करके चले गए। अब आपको पैगाम दे के जाते हैं, क्या दे के जाते हैं, हमारी हैसियत पे नजर ना रखना, हमारे पैगाम पे नजर रखना। लेकिन मेरे अंदर सच्चाई नहीं होगी, मेरी आवाज में असर, समझ गए बात को, ये भी एक इशारा है ना। अभी मौलाना साहब आपके सामने लिफाफों का जिक्र कर रहे थे, भारी लिफाफे के लिए अलकाब लिखे हैं जी, कुदवतुस्सालिकीन, जुबदतुलआरिफीन, फलाना, नीचे लिख दिया करो वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। बिल्कुल सही, अल्लाह ही बेहतर जानता है। हमने मदारियों को पीर मानना शुरू कर दिया। अभी मौलाना बाग अली साहब बात सुना के बाग बाग कर रहे थे, अल्लाह इसे गौस बनाए, कुतुब बनाए, वली बनाए, और हमने मदारियों को कहना शुरू कर दिया, जनाब कोई फलानी सरकार है, कोई फलानी सरकार है। सोचो, आला हजरत फाजिल बरेलवी ने अपने साथ अलकाब लिखवाए, हजरत मुहद्दिस आजम ने अपने साथ अलकाब लिखवाए, मगर हर एक के दिल में आला हजरत का लफ्ज भी नक्श है, मुहद्दिस आजम का लफ्ज भी नक्श है। ये रटाए नहीं गए, ये किरदार था जिसकी वजह से सब मान रहे। बड़ी पुरानी कहावत है, बारहा सुनी होगी आपने, औरंगजेब आलमगीर नेक बादशाह था, तारीख जो मर्जी कहे, तारीख लिखने वालों ने इंसाफ नहीं किया, वो नेक बादशाह था, फतावा आलमगीरी उसकी मेहनत, खुद जिस तरह गुजारा करता था, भाइयों की जंगों के बारे में जो लिखा मैं उसमें नहीं पढ़ता। बहरूपिया आ गया उसके पास, वो बहरूप बदलता था, औरंगजेब पहचान लेता था, जो भी बहरूप भर के आए पहचान लिया। उसने कहा अच्छा जी, अब शर्त रखें, मैं बहरूप भर के आऊंगा, अगर आप ना पहचाने क्या देंगे। उसने कहा 200 सिक्के दूंगा सोने वाले, जिसको दीनार या अशरफी कहते। बहुत अच्छा, बादशाह अपने कामों में लग गया, वो बहरूपिया गायब हो गया, बात पुरानी हो गई, आई गए जहन से निकल गई। दिल्ली में शोहरत हो गई कि दरिया के किनारे एक फकीर बैठा है। कौन? आवाज। फकीर मांगने वाले को नहीं कहते, आपके यहाँ उर्दू में रवाज हो गया लोगों में, मांगने वाले को फकीर कहते हैं, मांगने वाला फकीर, फकीर देने वाला होता है। वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुकरा, कुरान में है, हम अल्लाह के फकीर हैं, बारगाहे इलाही से लेते हैं, फकीर कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। वो फकीर वो होते हैं, ये आप गदागर को, भिखारी को फकीर कहने लग गए। बारह शोहरत हुई, बादशाह को बड़ा शौक था अल्लाह वालों से मिलने का, कि जी वो है बड़ा नेक आदमी है। चला गया बादशाह भी, देखा तो वाकई लिबास भी साफ सुथरा, बातें भी बड़ी अच्छी, चेहरा भी बेहतर हुआ हुआ। बादशाह ने थैली पेश की नजराने की, उसने कहा जी मैं नहीं लेता, मैं उलमा ने आपको बताया होगा जकात 100 पर कितनी देनी है, ऊंची 2.5 रुपए, कहां लिखा है, कुरान में है, ऊंची, तो जो नबी का दामन छोड़ के कुरान पढ़ना चाहते हैं,
अमल हो सकेगा? नमाज का हुक्म कुरान में 700 जगह रखते हैं, तरतीब है, नबी के बगैर चल सकते? बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। खुदा का कोई दरवाजा है तो मुस्तफा है, यहां से कहीं भाग नहीं सकते, कहीं और पनाह मिल सकती? बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। नबी के मुंह से जो निकल रहा है वो रब का हुक्म है, रब का हुक्म है। इनके होंठ कब हिलते हैं? कुरान की गवाही जब हमारी वही होती है। समझ आई? बहरहाल शाख निकाली थी क्योंकि मैंने बहुत सी बातें खुली नहीं करनी, छुपा छुपा के करनी है, समझने वाले समझेंगे। जी मुझे पहली बात ये करनी है, दीन किससे सीखा जाएगा? पूछ रहा हूं, इल्म वालों से ना, जो इल्म दीन रखते हैं, या दीन हमने इंटरनेट से सीखना है, खिलाड़ियों से, गुलूकारों से? कोई गामिदी कहलाए, कोई नायक कहलाए, कोई इंजीनियर कहलाए, तुम अपने काम करो, दीन से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। और ये जो आंटियां है ना, लिबरल आंटियां, इनको आलमी दिन की जरूरत नहीं, इनको इल्मे दीन की जरूरत है। आलमे दीन की जरूरत है, आलमी दिन की जरूरत। वसीम रिजवी नाम का शख्स इंडिया में उठा है और उसने ये कहा है कि कुरान की 26 आयतें तीन खुलफा ने, चारों का नाम नहीं लिया उसने, तीन खुलफा ने कुरान में डाल दी है, कुरान में डाल दी। अरबी में एक जुमला है, उलमा बताएंगे आपको, खालिफो तो अरफ, मुखालफत करो पहचाने जाओगे। मुखालफत करो क्या मतलब? तुम्हें अगर शोहरत चाहिए तो किसी बड़े की मुखालफत करो, पहचाने जाओगे। उसको पता था, मीडिया का दौर है, बात पहले तो महीनों में जाती थी, अभी सेकंडों में दुनिया में पहुंच जाएगी। उसने शोहरत हासिल करने के लिए किया, शोहरत मिल गई मगर गंदी, शोहरत मिली मगर गंदी। इज्जत वाली शोहरत किनका नसीब है? जो नबी की तारीफ करते हैं, जो सहाबा की तारीफ करते हैं, जो अहले बैत की। हजरत अमीर मुआविया सहाबी हैं या नहीं? हजरत अबू सुफियान सहाबी हैं या नहीं? हजरत हिंदा सहाबिया हैं या नहीं? हजरत अमर बिन आस सहाबी हैं या नहीं? बाकी लिस्ट भी पढ़ लेना, मुगीरा बिन शोबा आगे जो, और जितनी लिस्ट है, जब वो सहाबी हैं तो कुरान ने कह दिया वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे भलाई का वादा कर लिया। उलमा ने हुस्ना की तफसीर जन्नत लिख दी। तो जब अल्लाह ने भलाई का वादा कर लिया, आज हम में से कोई नाराज हो तो क्या वो अल्लाह के मुकाबिल आ रहा है या नहीं?
तो जो अल्लाह के मुकाबिल आए क्या कहोगे उसे? वो मुसलमान है, वो इंसान है, वो जानवर है, बल्कि जानवरों से भी बदतर। पहली बात। दूसरी बात ये, हम अहले सुन्नत व जमात हजरत अबू बकर की अलिफ से लेकर अली की ये तक हर सहाबी को सच्चा मानते हैं। क्या मानते हैं? सच्चा। दर्जे में बराबर नहीं, सहाबियत में सब बराबर। दर्जे में बराबर, सहाबियत में। अब एक बात का जवाब आपने सोच के देना है। गौसे आजम, दाता हुजवेरी, इमाम आजम, क्या आज उनके पाए का कोई आलिम है? कुरान की आयत, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। किन लोगों का रास्ता? सिरात लजीना अनामता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, एहसान किया, फजल किया। गौसे आजम पर फजल हुआ या नहीं? दाता हुजवेरी पर फजल हुआ या नहीं? ख्वाजा अजमेरी पर फजल हुआ या नहीं? आला हजरत पर फजल हुआ या नहीं? इधर फजल हुआ या नहीं? और जिसका नाम ही फजल है रसूल, अल्लाह या रसूल। अब आपने सुन लिया इन लोगों का नाम, मैंने दो चार नाम लिए पूरे। ये हजरत अबू बकर को नबी और रसूलों के बाद अफजलुल बशर मान रहे हैं। आज का कोई नया उठ के कहे कि मैं नहीं मानता, उसकी कोई हैसियत? तुम होते कौन हो? तुम्हारी पहचान क्या है? क्या हो तुम? मैं दुआ करता हूं नमाज की हर रकत में, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। उन इनाम याफ्तगान में आज किसी गैर को भी जुरत नहीं है। वो गौसे आजम ना कहे, हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी कहेगा, उनको अल्लाह का वली मानेगा, तो फिर वो इनाम याफ्ता हैं। जब वो हजरत अबू बकर को अफजल मान रहे हैं, मैं इनकार कर सकता हूं? ऊंची, अगर कोई साहब बहुत बड़े मुफ्ती हैं, अगर कोई साहब बहुत बड़े आलिम हैं, वो अपने आप के नाम के साथ अलकाब लगाएं, निस्बतें लगाएं, वो अगर सैयद भी हों तो उनको गौस पाक जितना मर्तबा तो हासिल नहीं है ना। तो फिर उनको कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो मेरे दाता और मेरे गौस के मुताबिक ना हो। हो गई क्लियर बात? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सात औलादें, कितनी? चार बेटियां, तीन बेटे। उन सातों में सबसे अफजल खातून जन्नत सैयदा पाक हजरत फातिमा जहरा, सब कहे रदी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाह ताला अलैहा, वो सबसे अफजल। अच्छा, आया तत्हीर में शामिल हैं या नहीं? आया तत्हीर है ना कि अल्लाह ताला ने नबी के घर वालों को हर किस्म की नापाकी और आलूदगी से पाक रखा, जैसा कि हक है पाक रखने का। वो अगर आया तत्हीर में शामिल है तो उनकी तरफ ये कहना कि वो गलती हो गई, फिर ये लफ्ज गवारा, इससे रुजू करना होगा। हमें यह शुबा नहीं है कि आप हजरत सैयदा के बारे में कोई गुस्ताखाना, मगर जो लफ्ज सरजद हुए उनसे रुजू करना करना जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप बरी हो सकते नहीं। आप उनके लिए ये कहें कि जी वो खता पर थी, आपको ये इख्तियार किसी ने नहीं दिया, ये आपकी खता है कि आप उनके लिए ये लफ्ज कह रहे हैं। मुसलमान क्या कहेगा? मेरी तुम्हारी खताओं को उनकी दुआ से पना मिलेगी। हम उनके लिए ये लफ्ज कह के अपने आप को सच्चा सुन्नी साबित कर सकते। पक्की बात? ये तो नहीं कि बाहर जाके कहोगे गलत कह गए। पक्की बात? तो जो सहाबी के बारे में, अब ये सवाल कहां से आ गया? माफी चाहता हूं, मैं जो कह रहा हूं मैं सवाल पर
कि ये सवाल लाया क्यों गया कि क्या इमाम हुसैन का आखिरी सजदा बावजू था। इस सवाल करने का मकसद क्या है, किसी सुन्नी को जुर्रत कैसे हुई कि ये सवाल करे और दूसरा बयान करे, इस सवाल की गुंजाइश कैसे निकली। 10 मुहर्रम को शादी करने का सवाल किसने किया, उसको मीडिया पे क्यों रखा गया। हमसे ये बातें बर्दाश्त, हमें कोई शुबा नहीं है उनकी सुन्नियत पे, लेकिन इस तरह की बात करके वो सुन्नियों में दरार ना लाने दें। इस मरकज से ये आवाज मैं लगा रहा हूं, अपनी जिम्मेदारी पे लगा रहा हूं, रिकॉर्डिंग दुनिया भर में सुनी जा रही है। हमें सहाबा अहले बैत वो तो बड़ी शान रखते हैं, हमें तो इनके बारे में हल्का लफ्ज गंवारा नहीं है। सुन रहे हो, हम उस वक्त तक इज्जत करेंगे जब तुम इज्जत करोगे। तुम्हारे मुंह से ऐसे लफ्ज निकलेंगे तो फिर उसमें मसला हो जाएगा। हमें एहतियात करनी है। क्या करनी है? ऊंची। अच्छा जी, ये मजमा मौजूद है, आप में से कोई सवाल करे तो लाजमी बात है हजरत देखेंगे, इजाजत देंगे तो सवाल होगा ना। पूछ रहा हूं ऊंची, अगर हजरत इजाजत नहीं देंगे सवाल हो सकता? तो मैं पूछ रहा हूं ना, ये सवाल हुए क्यों, किसने किए, कहां से किए गए? ऐसे सवालों से आपको भी और उनके जवाबात में भी आपको मोहतात होना होगा, क्योंकि सुन्नियत की कोई नई तारीफ नहीं। बादशाह ने पूरी थैली पेश की अशरफियों की, उसने कहा मैं नहीं लूंगा। बादशाह बड़ा मुतासर हुआ, चला गया दरबार में, गया दरबार में, अभी जाके बैठा वही बैरूपिया जो था ना, वो पीर, वो आ गया। बादशाह मेरा इनाम। कौन जी? अभी आप जिसके पास आए थे पीर साहब, वही हूं। उनका इनाम क्या? तब मैंने आपसे कहा था अगर आप मेरा बैरूप नहीं पहचाने तो आप मुझे इनाम देंगे, तो आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही बैरूपिया हूं, निकाले मेरे 200। बादशाह ने कहा जो थैली दे रहा था वो बहुत ज्यादा थी, वो क्यों नहीं ली? उस बैरूपिया ने कहा जिस गद्दी पे बैठा था ले लेता तो दाग लग जाता। अल्लाह, दाग लग जाता। बादशाह मैं तुझे सिर्फ बताने आया हूं, लेकिन ये बहरूप मैंने ऐसा फेरा है कि मैं वाकई यही हो गया हूं, जिस दे नाल मैंने ओ लगाया ओहो जही मैं होई। बोले शाह साहब, जिस दे नाल मैंने ओ लगाया ओहो जही मैं होई, तो हम दुनिया को बताना चाहते हैं हमारी मोहब्बत, हमारी अकीदत, हमारे सिलसिले ताजदारे बरेली के साथ जुड़े हैं। ताजदारे बरेली के गौसे आजम के वास्ते से रसूल आजम से जुड़े हैं। हमारा रसूल रसूल आजम, हमारा फारूक फारूक आजम, हमारा इमाम इमाम आजम, हमारा गौस गौस आजम, हमारा मुहद्दिस मुहद्दिस आजम, और हमारे अवाम सवाद आजम। मुझे ये कहना है हुक्मरान भी सुने, उन्हें दीन में मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। आपका काम है, आपको, आप सेलेक्टेड हैं या इलेक्टेड हैं या डिफेक्टेड हैं या रिजेक्टेड हैं, मैं इस बहस में भी नहीं पढ़ रहा। आप जो करना, जो आपसे काम करवाया जा रहा है, महंगाई करो मुल्क में, लोगों को गरीब मिटाओ, गुर्बत नहीं मिटाओ बल्कि आप मिटाओ जो मर्जी, मगर दीन में दखल ना देना। जब दीन में दखल दोगे तो फिर मुहद्दिस आजम के गुलाम मौजूद हैं, फिर गौसे आजम के फिदाई मौजूद हैं। और अभी इसी स्टेज से आपको ये बात सुनाई गई कि सुन्नी वो हैं जिनको कहीं से फंड नहीं मिलता, सुन्नियों को कहीं बैरूनी इमदाद, मनी लॉन्ड्रिंग ये वो, हाँ हमें इमदाद मिलती है तो बगदाद से मिलती है।
हमें हमें इमदाद मिलती है तो अजमेर से मिलती है, हमें इमदाद मिलती है तो सरहिंद शरीफ से मिलती है, हमें इमदाद मिलती है तो ये यहां से मिलती है। हजरत ने कभी आप लोगों से चंदे किए? मस्जिद बनाई, मदरसा बनाया, चनेट में कितना बड़ा मरकज, अभी हजरत के बाद देख लो कितनी चंद दिनों में कितनी चीजें हो गई हैं। चंदे किए हैं आपसे? देते ही है ना आपको ऊंची, जब यहां आते हो खाली जाते हो। हम किसी के एजेंट नहीं हैं, ना इस्तेमार के, ना किसी और, ना मगरिब से ताल्लुक, ना मगरबी कुव्वतों से ताल्लुक। हमारा ताल्लुक है तो सब्ज गुंबद के मकी से है। कहना है तो हमें नबी का एजेंट कहो, हमें वली का एजेंट कहो, हम दुनिया वालों के एजेंट। एक जुमला कह दूं, हम दुनियादारों को बुरा नहीं कहते, दुनियादार होना बुरी बात, दुनिया परस्त होना बुरी बात। और मैं उन तमाम खुतबा उलमा वाइजीन मुकर्ररीन कहलाने वालों से भी मुखातिब, मेरे भाइयों मदारियों को पीर कह के मुतारिफ ना करवाओ, लोगों को गुमराह मत करो। जो सच्चा वली है उसके बारे में बात करो, किसी मदारी को पीर कह के पीर के लफ्ज को गंदा मत करो। नाथान हो, कुर्रा हो, वाइजीन हो, मुकर्ररीन हो, मैं सबसे ज्यादा गुनाहगार, कोई मुझे मुस्तस्ना ना करे। मुझे आप दुनिया का हर ऐब मुझ में आपको नजर आ जाएगा सिवाय एक के, सारे ऐब हैं। क्या ऐब नहीं है? मैं नबी का गद्दार नहीं हूं। सुन रहे हैं बात को? यही दुखड़ा रोना था मैंने आपसे। आप लोगों को बताया जाता है स्टेज पे आके जनाब घुमा घुमा के फूंक मारी जा रही है, और आप लोग पहुंचे हुए हो। पूछ रहा हूं क्या गौस पाक ने ऐसा किया? ख्वाजा साहब ने किया? दम करना मना नहीं है, ये तरीका कहां से निकाला? तुम अपने 5 फुट के जुस्से पर सुन्नत नाफिज नहीं कर सके, लोगों को क्या बताओगे? हम आला हजरत फाजिल बरेलवी की तालीमात और तहरीरात से हट सकते हमें जरूरत नहीं। हाँ, कोई आए आला हजरत से ज्यादा तगड़े दलाइल लाए, पहले आए तो सही, और दलाइल तो तब लाएगा पहले आला हजरत के शेरों को ही समझ ले, उनकी किताबों के सही नाम ही पढ़ दे सही जेर जबर के साथ। मैं एक शेर पढ़ता हूं, है हिम्मत तो को किसी को जवाब दे, बड़ा मशहूर शेर, जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। समझाओ मुझे, मैं कह रहा हूं मुझे समझाओ इस शेर का मतलब। मैं कह रहा हूं जो आला हजरत के एक एक शेर पे 4-4 घंटे तकरीर कर लेता, मैं कह रहा हूं मुझे यह शेर समझाओ। बातें करते तुम अदना हजरत हो, आला हजरत बनने की कोशिश इस मरकज से यही एक बात की है कि यहां वफादारी सिखाई जाती है, यहां आपको दीनदारी सिखाई जाती है, यहां आपको खुददारी सिखाई जाती है, गद्दारी नहीं सिखाई जाती। समझ रहे हैं बात को? यहां के जितने तलामिजा हैं, यहां के जितने हजरत के मुरीदीन हैं, उन सबको देखोगे अकीदे में पक्का पाओगे इंशाअल्लाह। और जो कच्चा होगा उसकी निस्बत दुरुस्त, वो अपने आप को जोड़ता होगा, जोड़ा नहीं होगा, जोड़ता होगा जुड़ा। हाँ, ये तासुब वाले नहीं चाहिए हमें, तसल्लुब वाले चाहिए। तासुब का मतलब दुश्मनी होता है, तसल्लुब का मतलब पुख्तगी होता है। हमें मिले तो हमारा वो है जो पुख्ता है। वो रोज पक्के मटके पे जाती थी, इशारा कर रहा हूं मुनासिब बात तो नहीं है, पार लगती थी या नहीं? सोने हो, समझ आई है बात? एको दिन कच्चे नाल वापे आसी, एक ही दिन कच्चे से वास्ता पड़ा, वो भी डूबा उसे भी। आप चाहते हो कच्चों के साथ?
है मुझको निस्बत। अंदाज देखो, इतने बड़े इमाम और किस अंदाज से बात कर रहे हैं। तुझसे दर दर से सब और सब से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। हमने ये पट्टा, वो कहते हैं ना गली में दूसरे फिरते हैं जानवर जिनके गले में पट्टा नहीं होता, आप उनको पत्थर मार देते हो ना, और जिसके गले में पट्टा हो उसको छेड़ सकते हो, क्योंकि वो पट्टा बता रहा है कोई इसका है ये किसी का। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। कौन सी निशानी के? और जिन्होंने पट्टा डाला हुआ है नबी की गुलामी का। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। आखिरी बात, जुमला आखिरी नहीं है, बात आखिरी, एक दो मिनट लगेंगे। जन्नत में जाना चाहते हो? सबकी आवाज नहीं आई। मास्टर साहब ने स्कूल में बच्चों से पूछा जन्नत में किस किस ने जाना है, सब ने हाथ खड़ा कर दिया, एक ने नहीं किया। मास्टर साहब ने उससे पूछा तूने जन्नत में नहीं जाना? उसने कहा जी मेरी अम्मी ने कहा था स्कूल से सीधे घर आना। कहीं आपको भी तो नहीं कहा गया? बोलो जन्नत में जाना है या नहीं? हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाना है ना, तो जन्नत में जाने की टिकट कहां से मिलेगी? पूछ रहा हूं। कुछ नाखान भी बांट रहे हैं, कुछ मुकर्रर भी बांट रहे हैं, वो मिलती है नबी की गुलामी से, और देते हैं नबी के गुलाम। नबी की गुलामी से मिलेगी और देते हैं नबी के घर का वफादार होना होगा। सुन ले जुमले, सुन ले आखिरी बात है। हम नबी के वफादार, नबी की बीवियों के वफादार, नबी के सहाबा के वफादार, नबी की औलाद के वफादार, नबी के हर प्यारे के वफादार। याद रहेगा इनके बारे में कोई हल्की बात करे वो हमारा नहीं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद और उनके प्यारों की तो बात, हम तो हुजूर की गली के कुत्तों के पांव चूमते हैं। निस्बते खुद बसगत कर दमो बस मुनफाइलम जाके निस्बत बसगे कुए तो शुद्ध बेअदबी। और मजनू को किसी ने देखा कुत्ते के पांव चूम रहा था। मजनू वली अल्लाह था, कोई मामूली आदमी नहीं, वली अल्लाह था। उसको किसी ने कहा तू कुत्ते के पांव क्यों चूम रहा है? वो गुफ्त ही सक गाहे गाहे कुए लैला रफ्तबूत। उसने कहा इसलिए चूम रहा हूं ये कभी कभी लैला की गली से गुजरता है। तो हम तो कहां मजनू, कहां वो उसकी बात। हम नबी पाक के कदमों की खाक को आंखों का सुरमा बनाने वाले आज ये अहद कर लें कि इन निस्बतों के हवाले से जिसकी बात कमजोर है वो चाहे MNA हो, MPA हो, वजीर हो, गवर्नर हो, वजीर आजम हो, सदर हो, मुफ्ती हो, मुर्शिद हो, कोई हो, हम उससे हरगिज कोई ताल्लुक अगर जन्नत में जाना है। अगर कहीं और जाना है तो आपकी मर्जी। जन्नत में जाना है तो कब मिलेगी जन्नत? जब नबी और उसके प्यारों के वफादार अल्लाह इनके दराजात बुलंद करे। एक चीज और ऐड कर दूं, साढ़े फैसला बाग बसरा बने के जो नकाबत और नकीब
वो चाहे लजाल तबरीक राम नकाबा जो ऐसे शेर पढ़ दे ऐसे मसाइल बयान कर दे, एक कम अज़ कम रिक्वेस्ट करो कि यार नकीब का काम नाम लवे नकाबा जो रोटी ना चलाए वो थोड़ी बदनामी का बाश पड़ता है जी हजरत। वो नकब लगाते हैं, नकब लगाते हैं दोबारा से वो थोड़ी होना जरा हो जाए। ये जो कंपेयर कहलाते हैं अनाउंसमेंट करने के लिए नाजिम कहते थे, फिर नकीब कहने लग गए, नकाबत का लफ्ज आ गया। नकाबत करने वाले ने अगर कोई बात करनी है तो किसी आलिम से सीख कर मुख्तसर करनी है, अगर तकरीर उसी ने करनी है किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं, सीधी सी बात। और वो अल्फाज, और आजकल हर कोई सानिये हसान सगे हसान हजरत हसान, जाहिल थे क्या माज़अल्लाह? ये अपने आप को हसान कहलाने वाले, अब ठीक है अगर आपको शायरी आती है मुस्लिम शरीफ उठाओ, हजरत ने मुझे कह दिया आखिर में मुस्लिम शरीफ उठाओ, हुजूर के एक सहाबी ने नात पढ़ी हुजूर को पसंद नहीं आई, मुस्लिम शरीफ में रिवायत मौजूद हुजूर को उसकी शायरी पसंद, हालांकि उसने तारीफ में लिखी थी। तो तारीफ वही है जो पसंद हो। अब ये लोग जो जो चाहे, असल में उनका मकसद होता है नारे लगवाना नोट निकलवाना। तो ये सारी सारी रात की जो महफिलें नात हो रही हैं जिस तरह की हो रही हैं, अल्लाह करे ये सुधर जाएं। ये हमें महफिलें नात पे एतराज़ नहीं, नात खानों पे एतराज़ नहीं, नकीबों पर ये एतराज़ है कि वो अपनी तरफ से ऐसे ऐसे अशार उसमें किसी को जन्नती करार दे रहे हैं, किसी को जहन्नमी करार दे रहे हैं, और नई शायरी करके उम्मत को गुमराह कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं। तो आप लोगों में से जब किसी महफिल में जाओ तो एक बात मुहद्दिस आजम की सीख लो, आपके सामने कोई गलत बात करे उठ के कहो तुम गलत कह रहे हो, क्या कर रहे हो गलत कह रहे हो, नहीं आपने वहां कोई लड़ाई नहीं करनी, इतना कह के आप अपना रास्ता लो, आपका हक अदा हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहां पर उनसे कहो कि नहीं जी आप कहो जी गलत कह रहे हो हम नहीं सुन सकते और चले जाओ। दो मर्तबा ऐसा करोगे तीसरी मर्तबा उनको बोलने की जरूरत आप सुनते हो नोट वारते हो, और सबको धुन समझ आती है, शायरी तो अक्सर को समझ भी नहीं आती होगी। और नात का अदब क्या हो रहा है, जिसने जितने पैसे दिए स्टेज पर उसको उतनी जगह चाहिए, मेरे पैसे लगे हैं नाम इश्तेहार यूं छापते हैं जैसे फिल्म के इश्तेहार छप रहे हो, किसी ने 100 रुपया दिया तो उसका भी नाम लगना है या फोटो लगनी जरूरी है। तो ये बताएं क्या ये वाकई अदब है ऊंची? हजरत के पास भी तो नात खान आते थे, मेरे वालिद साहब किबला से हजरत ने कितनी मर्तबा कहा मौलाना आज हमें कोई आला हजरत का कलाम ही सुना दो, वो सुनते थे। दाता साहब मुलाकात हो गई वहां बैठ के कहा कि यहां बैठे हम इंतजार कर रहे थे कोई आए और हमें कलाम आला हजरत सुनाए, तो सुनो मोहब्बत से सुनो, मगर ऐसा कलाम जिसको सुनकर दिल में नबी का अदब पैदा हो। तो मैं तमाम नात खानों से अपना लिबास दुरुस्त करें, स्टेज पर आकर आपने टोपी पहननी है, उसके बाद आपने पेंट शर्ट पहन के दूसरों के साथ फोटो बनानी है, तो फिर नात की वजह से आप क्यों कहलाते हैं कि आपको आशिक रसूल कहा जाए। और खुतबा भी कुर्रा भी अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए। एक वादा लेना है आपसे, उसके बाद मैं माइक छोड़ रहा हूं, वादा करो इनसे वफादार रहोगे, अगर ये कोई गलत करेंगे उसके लिए नहीं, अपने वालिदैन के अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर जो ये नेकी करेंगे हम इनका साथ इनका साथ इनका साथ, और इस मरकज से अपनी औलाद को भी वाबस्ता करना है। ठीक है, गुफ्तगू में मुझसे कोई गलती हुई हो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, तकरीर फिर कभी सही इंशाअल्लाह, कल आपको डॉक्टर उस्मान साहब मुझसे ज़्यादा अच्छी सुनाएंगे इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।